नमः शिवाय। वेलकम टू बूम भोले टेम्पल्स ऑफ इंडिया। बाबा की नगरी बनारस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम इस वक्त है तिलभांडेश्वर महादेव मंदिर में, जो है मदनपुरा इलाके में। आइए आपको करवाते हैं मंदिर के दर्शन। ये है विभांड महाराज द्वारा स्थापित रुद्रलिंग। इसके बारे में और जानकारी लेते हैं मंदिर के प्रमुख पुजारी से। ये अनादि स्वयंभू जागृत शिवलिंग, इसके प्रारंभ कब हुआ है किसी को इतना तक पता नहीं है, लेकिन एक महर्षि यहाँ तपस किया है, उनका नाम विभांडक महर्षि, उन्हीं से ये मंदिर प्रसिद्ध हुआ है। तो एक समय में यह तिल का खेती रहा, उसमें से बीच में से निकला हुआ, जमीन से अंदर से निकला हुआ स्वयंभू जागृत शिवलिंग। एक दिन गंगा जल लेके आके यहाँ तक मंदिर के प्रांगण से मूर्ति के सामने तक आया था, तो वहाँ से एक असिरी के रूप में एक आवाज आया, मतलब एक प्रकाश इनके तरफ से, एक ज्योति स्वरूप में भगवान दर्शन दिया है। ये ज्योति स्वरूप से उनके भगवान ये बात कह रहे कि ये महाशिवलिंग, उनके इतना संबोधन किया है भक्त विभांड महर्षि ऋषि श्रृंगी का पिताजी बता रहे थे, बताए थे, तो भव्य रूप से उनको संबोधन किया भगवान को, ऋषि के इतना भक्त सर हो, तो कहे थे ये महाशिवलिंग कलयुग पर्यंत एक दी के प्रमाण से, एक तिल के प्रमाण से डेली, मतलब रोज बढ़ते रहेगा। कोई भी प्राणी जिंदगी में एक बार आके इसके दर्शन करोगे, मतलब उस दर्शन के शिवलिंग आके स्पर्श करना है, वो प्राणी कहीं अपने शरीर छोड़ते वक्त, मरते वक्त उस मोक्ष प्राप्ति का अधिकारी बन जाएगा। ये आशीर्वाद दिया अपने ऋषि विभांड ऋषि को। इस मंदिर प्रांगण में श्री राम, गणपति जी, माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, भगवान कृष्ण और शंकराचार्य जी की भी आराधना की जाती है। तिलभांडेश्वर महादेव की ऊंचाई इस वक्त 3.5 फुट है और डायमीटर 3 फीट। काफी सारे लोग इस बात को परख चुके हैं और ये बात सच है कि ये सतत बढ़ रहे हैं। ब्रिटिश समय में आके सिपाही लोग इसे पूछ रहे, सिपाही लोग के ये पत्र कैसा बड़ा, आपको कैसा पता चला, तो वो हमारे सब भगवान के जो अपने गुरुजनों इधर लोग बता रहे हैं, जो बढ़ता है हम लोग मानते हैं बढ़ता रहता है, इतना तो नीचे से इतना ऊपर तक आया शिवलिंग, बहुत लोग पूजा पाठ करके इसको अपने मनोकामना भगवान कर देता है, इसलिए वो नापते नहीं, हम लोग नापे नहीं, भगवान का लीला है, इसे करके हम लोग छोड़ देते। आपको कोई संदेह है तो अपने मन से कर दीजिए, किसी ने चाह ठीक है, तो वो वहाँ के नारा बांधे शिवलिंग, चारों तरफ नारा बांध कर मंदिर सील कर दिया। 24 घंटे के अंदर बात है ना, तिल से बढ़ेगा तो 24 घंटा पूरा होके होने के बाद वो मंदिर खोल के देख रहे तो नारा पूरा टूटा पड़ा, चारों तरफ टूट गया, पड़े देखिए बढ़ता रहता है।
बढ़ रहा है तो मानने लगा तो बढ़ते, इसलिए इसके सामने कोई ऐसे पेश नहीं करते कहाँ से बढ़ता है, नीचे से पीछे से बात तोड़ दी, इसलिए बहुत शक्तिमान है बाबा तिलवांडे से। तिलभांडेश्वर महादेव का लिंग कितना पुराना है ये तो शायद कोई भी नहीं जानता, पर इस मंदिर की रचना की गई थी 18वीं शताब्दी में। इस मंदिर की एक अनोखी बात है ये शिवकोटी स्तंभ, इसमें आंध्र प्रदेश के भक्तों ने 12 करोड़ बार महादेव का नाम लिखा हुआ है और ये कहा जाता है कि इसके 12 चक्कर लगाने से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। चलिए मनोकामना पूरी करना चाहते हैं तो जरूर आइए बनारस के तिलभांडेश्वर महादेव के दर्शन के लिए। जल्द मिलेंगे एक और प्राचीन देवस्थान पर, तब तक के लिए खुश रहिए और जपते रहिए हर हर महादेव।